नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम के आगमन के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और लगभग सारी तैयारियां पूरी भी की जा चुकी हैं। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त और मुख्य पुजारी के नाम पर से पर्दा उठ गया है, तो आखिर कौन है राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुजारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई राम लला के आगमन का हिस्सा बनने के लिए बेकरार है। ऐसे में दुनिया भर की नज़र राम की नगरी की तैयारियों पर टिकी हुई है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में उपयोग होने वाली सभी जरूरत की चीज राम लला के दरबार में लगभग आ गई है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त और मुख्य पुजारी के नाम से सस्पेंस भी खत्म हो गया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत मथुरा नाथ दीक्षित होंगे, जो कि 84 साल के हैं। इनके पूर्वज 400 साल पहले काशी में रहने आए थे, इसलिए इनकी पढ़ाई इनके चाचा के सानिध्य में काशी में हुई थी। लक्ष्मीकांत के 3 बेटे हैं, जो पुजारी और सनातन संस्कृति कर्मकांड विद्या से जुड़े हैं। बता दें, इनके पूर्वज गागा भट्ट, जिसने छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, नागपुर, राजस्थान में भी कई राजघराने का राज्याभिषेक भी इनके परिवार के द्वारा कराया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:20 पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के द्वारा निर्धारित किया गया है। इनकी उम्र 65 साल है और ये अविवाहित हैं। इनको वाराणसी के ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान माना जाता है। इससे पहले इन्होंने ही राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त भी निर्धारित किया था। ये अपने परदादा के साथ काशी आए थे और इनका निवास स्थल रामघाट पर है। बता दें, राम लला के आगमन को लेकर खास तैयारी की जा रही है। नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों से 30 दिसंबर को किया जाएगा। इसी दिन पीएम मोदी के द्वारा एक रैली को भी संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भव्य बनाने के साथ साथ अयोध्या वासी अपने घर आंगन को भी रामलला के स्वागत में सजाएंगे और साथ ही राम नगरी की मुख्य सड़क को सूरज की थीम वाले सूर्य स्तंभों से सजाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।